गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर फोर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बुक द शू मेकर एंड द एल्विस, जूते बनाने वाला और बोने। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वंस देयर वाज अ शू मेकर कॉल्ड रेक्स, एक बार एक जूते बनाने वाला था जिसका नाम रेक्स था। ही लिव्ड विद हिज वाइफ मैरी, वो अपनी पत्नी मैरी के साथ रहता था। मैरी used to help him in different things, Mary उसकी अलग अलग चीज़ों में सहायता करती थी। At night, Rex and Mary were talking to each other, उस रात Rex और Mary एक दूसरे से बातें कर रहे थे। Scene वन start है Rex workshop, Rex की दुकान। Rex and his wife are seated near his tools, Rex और उसकी पत्नी अपने जूते बनाने वाले औजारों के साथ बैठे हुए थे। Rex कहता है Here is my last piece of leather, ये मेरा चमड़े का आखिरी टुकड़ा है। एंड आई हैव नो मनी टू बाई और मोर लेदर, और मेरे पास पैसा नहीं है अब और लेदर खरीदने के लिए। वी विल हैव टू गो हंग्री नाउ आई फियर, मुझे डर है कि अब हम भूखे रहेंगे। मैरी कहती है गॉड विल हेल्प अस एज ऑलवेज, भगवान हमारी सहायता करेंगे जैसे कि हमेशा की है। डोंट वरी डियर, तुम चिंता मत करो। रेक्स कट हिज लास्ट पेयर ऑफ शूज एंड गोज टू स्लीप, रेक्स ने अपना आखिरी जूतों का जोड़ा कट किया और सोने के लिए चला गया। सीन टू स्टार्ट होता है रेक्स वेक्स अप द नेक्स्ट मॉर्निंग टू अ वंडरफुल सरप्राइज, रेक्स अगली सुबह सोकर उठता है एक बहुत ही सुखद आश्चर्य के साथ। रेक्स कहता है मैरी मैरी लुक एट दिस, मैरी ये देखो ए न्यू पेयर ऑफ शूज शाइनिंग ब्राइट, एक नया चमकता हुआ जूतों का जोड़ा। मैरी कहती है दे आर ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर है। आई न्यू एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट, मुझे पता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। रेक्स कहता है आई विल सेल दिस पेयर ऑफ शूज इन द मार्केट एंड आई एम श्योर आई विल गेट गुड मनी इन रिटर्न, मैं इस जूते के जोड़े को बाजार में बेच दूंगा और मुझे यकीन है कि इसके बदले में मुझे अच्छा पैसा मिलेगा। रेक्स गेट्स द प्राइस फॉर द शूज, रेक्स को जूते के बदले में पैसा मिलता है। एंड बाइज मोर लेदर विद द मनी, और वो उस पैसे से और चमड़ा खरीद लेता है। ही कट्स द लेदर फॉर शूज एवरी नाइट, वो हर रात जूतों के लिए चमड़ा काट कर रखता है। एंड फाउंड देम स्टिच्ड एंड रेडी इन द मॉर्निंग, और वो उसे अगली सुबह सिले हुए तैयार मिलते हैं। सीन थ्री स्टार्ट होता है ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद रेक्स कहता है नाउ वी आर मच कम्फर्टेबल, अब हम सुरक्षित और खुश हैं। वी हैव इनफ मनी टू फीड अवर सेल्फ, और हमारे पास इतना पैसा है कि हम अपना भोजन का इंतजाम कर सकते हैं। मैरी कहती है वी शुड से थैंक्स टू अवर दोज फ्रेंड्स Who helped us in need? हमें अपने उन दोस्तों को धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारी जरूरत के समय मदद की। Let us hide behind the door tonight and find out who our friends are. आज रात को दरवाजे के पीछे छिपकर हम ये पता करेंगे कि वो मित्र हमारे कौन हैं। रेक्स एंड मैरी हाइड बिहाइंड द डोर, रेक्स और मैरी दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं। सीन फोर स्टार्ट होता है दैट नाइट फाइव एल्विस एंटर, उस रात पांच बोने अंदर आते हैं। दे आर कैरिंग टाइनी कॉबलर्स टूल्स इन देयर हैंड्स, और वो अपने हाथों में छोटे छोटे जूते बनाने वाले औजार लेकर आते हैं। दे डांस एंड सिंग, वे नाचते हैं और गाते हैं। एंड देन दे सिट टूगेदर एंड स्टार्ट देयर वर्क, और फिर एक साथ बैठकर वे अपना काम शुरू कर देते हैं। एल्विस कहते हैं, बोने कहते हैं वी आर द फाइव बिजी एल्विस, हम पांच व्यस्त बोने हैं। वी लाइक टू हेल्प द नीडी, हमें दूसरों की जरूरतमंदों की मदद करना अच्छा लगता है। वी लाइक टू फीड एवरी पुअर बॉडी, हमें गरीब लोगों को भोजन देना अच्छा लगता है। एक्सेप्ट द वंस हु आर ग्रेडी, और उन लोगों को छोड़कर जो कि लालची होते हैं। दे फिनिश द स्टिचिंग ऑफ शूज एंड गो अवे, उन लोगों ने सिलाई का काम जूतों की सिलाई का काम खत्म किया और चले गए। सीन फाइव स्टार्ट होता है रेक्स एंड हिज वाइफ मैरी एंटर, रेक्स और उसकी पत्नी मैरी अंदर आते हैं। मैरी कहती है हाउ काइंड द लिटिल एल्विस आर, ये छोटे बोने कितने दयालु हैं। आई विल मेक क्लोथ्स फॉर देम जस्ट टू से थैंक यू, मैं उन लोगों को धन्यवाद करने के लिए उनके लिए कपड़े बनाऊंगी। रेक्स कहता है यस यू आर राइट, हाँ तुम सही हो। आई विल प्रोवाइड यू फैब्रिक फॉर द क्लोथ्स, मैं उन वस्त्र बनाने के लिए तुम्हें कपड़ा लाकर दूंगा।
द नेक्स्ट नाइट व्हेन द एल्विस रीच्ड द हाउस, अगली रात जब बोने घर के अंदर आए, दे वर अमेज्ड टू फाइंड 5 सेट्स ऑफ ब्यूटीफुल क्लोथ्स इन प्लेस ऑफ द लेदर, वे आश्चर्यचकित हो गए चमड़े की जगह पर 5 जोड़ी सुंदर कपड़ों को देखकर। दे पुट ऑन द क्लोथ्स हैप्पीली, उन्होंने वो कपड़े खुशी खुशी पहने, एंड डांस्ड ऑल नाइट, और पूरी रात नाचते रहे। रेक्स एंड हिज वाइफ नेवर फॉरगॉट द काइंड एल्विस, रेक्स और उसकी पत्नी उन दयालु बोनों को कभी नहीं भूल पाए। चैप्टर इज कंप्लीट, सभी बच्चों को चैप्टर एक बार रीड करना है और बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट टर्न पर एक्सरसाइज मैं खुद भी आपको करवाऊंगी।